मशक नंबर 3.1 सवाल नंबर 9 बहुत अहम सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। इसमें ए निस्बत बी की कीमत दी गई है, वो क्या है 7:6। इस तरह भी कह सकते हैं कि 1/b की कीमत दी गई है, वो क्या है 7/6। जबकि 3a+5b निस्बत 7b-5a, इनकी कीमत मालूम करनी, मतलब इसको हल करते हुए आपने ए बी की जहाँ पे आएगा वहाँ पे 7:6 लगा देना है। बहुत आसान सवाल है, जो हमें निस्बत दी गई है 3a+5b = 7b-5a, इसको आपने पहले बटे में लिख देना है, जिस तरह से हमने पहले सवालात के अंदर भी किया था कि निस्बत को हम बटे में लिख देते थे। फिर आपने ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली रकम को दोनों से तकसीम कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी बी से, ठीक है। मतलब आपका कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बी से डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना। नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, बटे के जो ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर होता है जो नीचे होता है। जब हमने दोनों को, मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को बी से क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, देखें फिर बनता क्या है। अब बी जो सा ये दोनों का है, ए का लैदा कर देंगे बी और दूसरे बी का लैदा कर देंगे, इसी तरह बी जो सा है इस बी का अलहदा कर देंगे और इस ए का बी अलहदा कर देंगे। इस बी से ये बी कट जाएगा, इधर भी बी से बी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे a/b है, a/b की कीमत दी गई थी, वो क्या थी हमारी 7/6, यहाँ पे हमने कीमत दर्ज कर दी, और यहाँ पे भी a/b की जगह पे हमने 7/6 की कीमत दर्ज कर दी है। 3/7 से क्या हो जाएगा, ज़रब 21 बन जाएगा, जबकि जो नीचे है 5/7 से ज़रब हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 35। फिर आपने यहाँ पे तजजी करनी, जो इजाफकल जिसको कहते हैं लेंगे। अब इसके नीचे 6 है, 6 से तकसीम हुआ 21 बचेगा, इसके नीचे 6 नहीं है, 5/6 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। अब नीचे भी इसी तरह 6 की हम क्या कह लेंगे, जो इजाफकल लेंगे एलसीएम लेंगे, 7/6 से ज़रब हो जाएगा 42, और इस 6 से 6 कट गया 35 आ जाएगा। 21 में 30 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 51, और जबकि 42 को 35 से माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, जबकि ये 6 से 6 कट गया, तो इसका मतलब हमारा 3a+b निस्बत 7-5a का जवाब हमारे पास क्या आया 51:7, मतलब 51:7 हमारा जवाब हुआ। बड़ा अहम सवाल है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।